हेलो गाइस, हम एनिमल किंगडम को इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं। हम अर्थ्रोपोडा तक पढ़ चुके हैं, अब आगे कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ेंगे मॉलुस्का के बारे में। तो हम मॉलुस्का के करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, मतलब ये सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। और फर्स्ट लार्जेस्ट एनिमल फाइलम हमने किया था अर्थ्रोपोडा। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका हैबिटेट क्या है। तो मॉलुस्का आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, मीन्स एक्वेटिक मीन्स मैरीन और फ्रेश वाटर, दोनों वाटर में ये रहते हैं, और टेरेस्ट्रियल लैंड एरिया में रहते हैं। ठीक है, हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनका कैसा है, ऑर्गन सिस्टम मतलब ऑर्गन सिस्टम बन चुके हैं। ठीक है, दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल, इनकी सिमेट्री कैसे है, बाइलेटरल। बाइलेटरल मीन्स जब हम लॉन्गिट्यूडनल कट करेंगे इक्वल इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएंगे। और लेयर्स कितनी प्रेजेंट है इनमें, तीन, तो इसलिए क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। कैविटी प्रेजेंट है जो कि लाइंड है मीसोडर्म लेयर से, इसलिए क्या है, सिलोमेट्स एनिमल्स है। बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस सेल, मतलब इनकी बॉडी जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट शेल से कवर्ड है। ठीक है, अनसेगमेंटेड है, बट इनके पास एक डिस्टिंक्ट अलग से हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम देख सकते हैं इनके पास होता है। ए सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म ए मेंटल ओवर द विसरल हम। तो इन्होंने कहा है कि इनकी जो बॉडी जो होती है वो सॉफ्ट स्पंजी है जो कि मेंटल बनाती है। ठीक है, विसरल हम को ये कवर कर देते हैं। द स्पेस बिटवीन द हम एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी इन विच फैदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। तो इन्होंने ये कहा है कि हम और मेंटल के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम मेंटल कैविटी कहते हैं। और ये किसको कवर्ड कर रहा है, मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, गिल्स प्रेजेंट है। और ठीक है, गिल्स क्या करेंगे, रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन, देखो एक्सक्रीटरी फंक्शन में भी ये हेल्प कर रहे हैं। द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स, जो इनका हेड जो है एंटीरियर पोर्शन में, उनके पास सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं जिससे उन्हें भाई अपने प्रे वगैरह या किसी चीज़ का एहसास होता है। द माउथ कंटेन ए फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, इनके पास माउथ प्रेजेंट है। ठीक है, उनके पास माउथ के अंदर एक फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट है जिसको हम रेड्यूला कहते हैं, और वो फीडिंग में हेल्प करता है। और ये इनकी बॉडी कैसी है, डायोसिस है, मतलब क्या हुआ, मतलब मेल और फीमेल जो है वो डिस्टिंक्ट है। और ये क्या करते हैं, ये एग को रिलीज़ करते हैं, मतलब ओविपेरस है। ठीक है, डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है तो इसका मतलब क्या है, लार्वा जो होगा प्रेजेंट होगा। ठीक है, मतलब बॉडी जो है वो डायरेक्ट अपने एडल्ट जो ऑफस्प्रिंग जो होगा उन वो रिजेंबल नहीं करेगा डायरेक्ट एडल्ट से, पहले लार्वा फॉर्म आएगा फिर उसके बाद वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इनका एग्जांपल है पाइला, एप्पल स्नेल, पिंक टेडा, पर्ल ऑयस्टर, सीपिया, कटल फिश, लॉलीगो, स्क्वीड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एप्लीशिया, सी हेयर, डेंटेलियम, टस्क शेल और किटोप्लोरा काइटोन। तो ये सभी इनके एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा। ये कुछ नॉर्मल नेम में फ़िश आ रहे हैं, कभी आप जब क्लासिफिकेशन आए तो उन्हें फ़िश पाइसिस क्लास में मत रखिएगा, उनके करेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं, इसलिए हमने उनको अलग से क्लास में रखा है। ठीक है, अब है फाइलम एकाइनोडर्मेटा। दीज एनिमल्स हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स, मतलब इनका जो अंदर का जो स्केलेटन है वो कैल्केरियस कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, इसलिए इनकी जो बॉडी जो होती है वो स्पाइनी होती है, इस वजह से हमने इसका फाइलम को क्या नाम दिया, एकाइनोडर्मेटा। ऑल आर मैरीन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मैरीन है हैबिटेट इनका, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन सिस्टम है। और सिमेट्री देखो, इनमें दो टाइप की सिमेट्री देखने को मिल रही है, एडल्ट के अंदर तो रेडियल मिल रही है, और लार्वा जो होगा वो बाइलेटरल सिमेट्री का होगा। ठीक है, जब उसे हम कट करते हैं तो लार्वा में शो होगा बाइलेटरल और एडल्ट में होगा रेडियल। ठीक है, अब देखो इन्होंने लार्वा बोला तो इसका मतलब क्या है, डेवलपमेंट कैसे होगी, इनडायरेक्ट होगी।
ठीक है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीन लेयर प्रेजेंट है, सिलोम प्रेजेंट है, मतलब कैविटी जो है वो मीजोडर्म से लाइंड है, इसलिए हमने इसको सिलोमेट्स एनिमल्स बोला है, ठीक है। तो डाइजेशन इनका कंप्लीट है, इसका मतलब यही है कि माउथ और एनस दोनों ही प्रेजेंट है। तो माउथ ऑन द लोअर मतलब वेंट्रल साइड में है और एनस जो है वो अपर डोर्सल साइड में प्रेजेंट है। द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ एकिनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम विच हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। अब देखिए इनके पास जो मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है वो क्या है, वाटर वस्कुलर सिस्टम। इसकी हेल्प से ये लोकोमोशन एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं, कैप्चर करते हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो इनके करैक्टरिस्टिक्स को अच्छी तरह से याद रखिए और समझिए, ठीक है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इनके अंदर एब्सेंट है। तो सेक्सेस आर सेपरेट है, सेक्सेस मीन्स डायोसिस बॉडी, इनकी रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है इनका बॉडी के बाहर, डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट है क्योंकि इनके क्योंकि ये डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग जो होता है वो अडल्ट में कन्वर्ट अडल्ट जैसा रिसेम्बल नहीं करता है, इसलिए क्या है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनके पास लार्वा प्रेजेंट होता है, ठीक है। एस्टेरिस स्टारफिश, एकाइनस सी अर्चिन, एंटीडोन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, ओफियोरा ब्रिटल स्टार, ये सभी क्या है काइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल है। आप यहाँ पे इनके डायग्राम फिगर देख सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे फाइलम हेमिकोर्डेटा। हेमी मीन्स हाफ, कोर्डेट्स मीन्स कोर्डेट। तो कोर्डेट्स के कुछ करेक्टर्स हेमिकोर्डेटा में प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल कंप्लीट नहीं होते, इसलिए इसको हेमिकोर्डेटा फाइलम में रखा है, ठीक है। हेमिकोर्डेटा वाज अर्लियर कंसिडर एज ए सब फाइलम अंडर फाइलम कोर्डेटा। तो उन्होंने कहा था पहले फाइलम कोर्डेटा का केस ऑफ फाइलम के अंडर रखा गया था हेमिकोर्डेटा को, बट नाउ इज प्लेस्ड एज ए सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कोर्डेट्स। अब उसको हमने एक अलग से फाइलम में रख दिया है, ठीक है, नॉन कोर्डेट्स में। हेमिकोर्डेट्स हैव ए रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कोलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकोर्ड, ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकोर्ड, ठीक है। पहले हमने क्यों रखा था इसको उसमें, क्योंकि इसके अंदर एक कोलर रीजन प्रेजेंट होता है जिसको स्टोमोकोर्ड बोलते हैं और वो रिजेंबल करता है नोटोकोर्ड से। द फाइलम और इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैरीन एनिमल्स, मतलब मैरीन हैबिटेट कैसा है इनका, मैरीन है, कैसा दिखाई देता है वर्म की तरह। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन सिस्टम है, सिमेट्री कैसी है इनकी, बायलेटरल है, और लेयर्स कितने प्रेजेंट है, तीन, मीन्स ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एक्टोडर्म मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये तीन लेयर्स का नाम है। और लेयर्स क्या करती हैं, कंप्लीट ऑर्गन और टिश्यूज वगैरह जो है वो बनाती हैं, और जो बॉडी है वो सिलोमेट्स है, मतलब क्या है इसका कैविटी प्रेजेंट है बॉडी के अंदर और वो क्या करती हैं, वो लाइंड है मीजोडर्म लेयर से, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये ऑर्गन्स को मतलब एक ऑर्गन्स को लोकेट करती है, ठीक है, एक पोजीशन दे रही है ऑर्गन्स के लिए, स्पेस बना रही है ये। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड इज कम्पोज ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस कॉलर एंड ए लॉन्ग ट्रंक। तो इनकी बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक तीन इन रीजन में डिवाइड हो चुकी है, ठीक है। और एंटीरियर पोर्शन को हम प्रोबोसिस बोलते हैं, उसके बाद कॉलर रीजन आता है, उसके बाद आता है ट्रंक। सर्कुलर सिस्टम जो है वो ओपन टाइप है, मतलब डायरेक्ट पंप होता है ब्लड। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन के लिए इनके पास क्या है, प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट है। सेक्सेस जो है वो सेपरेट है, और फर्टिलाइजेशन जो होता है इनका एक्सटर्नल होता है, और डेवलपमेंट जो है इनकी इनडायरेक्ट है, ठीक है। मतलब इसमें लार्वा जो होगा वो मतलब प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल है बैलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। फिर आता है हमारा फाइलम कोर्डेटा, ठीक है। इनके कुछ करैक्टरिस्टिक्स है जो मतलब नॉन कोर्ड से इनको अलग करते हैं। तो वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोर्ड, ए डोर्सल होलो नर्व कोर्ड, पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। तो ये इनके करैक्टरिस्टिक्स है जो कि नॉन कोर्डेट से इनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं।
तो बाइलेटरल सिमेट्री है, इनके पास भी तीन लेयर प्रेजेंट है, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सिलोम जो कैविटी है वो मेसोडर्म से लाइंड है, इसलिए इसको सिलोमेट्स बोला है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन सिस्टम है, और दे पोसेस ए पोस्ट एनल टेल एंड ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है इनका, क्लोज्ड है, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, पोस्ट एनल पार्ट, गिल स्लिट्स, नर्व कोड, नोटोकोड, तो ये कोडेट्स के करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया हुआ है, नोटोकोड प्रेजेंट कोडेट्स में, इसमें नॉन कोडेट्स में एब्सेंट है। नर्वस सिस्टम जो है वो डोर्सल सेंट्रल है, होलो है, सिंगल है। इसके अंदर वेंट्रल होंगे नॉन कोडेट्स में, सॉलिड होंगे और डबल होंगे। परफोरेटेड फैरिंक्स प्रेजेंट है, गिल स्लिट्स, इसके नॉन कोडेट्स में गिल स्लिट्स एब्सेंट है। हार्ट जो है वेंट्रल है और नॉन कोडेट्स में डोर्सल है, और कोडेट्स में पोस्ट एनल पार्ट टेल प्रेजेंट होता है और नॉन कोडेट्स में एब्सेंट होता है। देखो जो हमारा बेली रीजन जो होता है वो वेंट्रल है, और जो बैक रीजन जो है वो हमारा डोर्सल है, ठीक है। अब आगे देखिए, फाइलम कोडेट इज डिवाइडेड इनटू थ्री सब फाइलम, तीन सब फाइलम में हमने इसको डिवाइड किया। देखो करेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है आपके प्लस वन एग्जाम के लिए भी, और साथ में नीट एग्जाम के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम कर रहे थे, फाइलम कोडेट इज डिवाइडेड इनटू थ्री सब फाइलम, यूरोकोडेट, ट्यूनिकेटा, सेफेलोकोडेट एंड वर्टिब्रेट्स, इन तीन में ये डिवाइड हो, ठीक है। सब फाइलम में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। अब हम आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।